हरंस बिश्नोई के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के मामले में सनसनी केस खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें सामने आया कि लॉरेंस ने पंजाब की जेल से नहीं बल्कि जयपुर की सेंट्रल जेल से जूम ऐप के माध्यम से इंटरव्यू दिया था। क्या है पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। करीब डेढ़ साल पहले देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू निजी न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हुआ था। दो दिन तक लगातार चले इस इंटरव्यू से देश भर में सनसनी फैल गई थी। जो गैंगस्टर पिछले 11 साल से जेल में बंद है, आखिर उसने एक नेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू कैसे दे दिया? इंटरव्यू के बाद पंजाब जेल पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना कि टीवी पर प्रसारित इंटरव्यू राजस्थान की जयपुर सेंट्रल जेल से दिया गया था। इस संबंध में पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम को पत्र लिखा, जिसके बाद जयपुर की लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक टीवी चैनल को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दिए गए इंटरव्यू के मामले में नया खुलासा हुआ है। पंजाब के एसआईटी ने माना कि यह इंटरव्यू राजस्थान में जयपुर सेंट्रल जेल से लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दिया गया था। यह इंटरव्यू एक टीवी चैनल को जूम के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था और अब इस संबंध में जयपुर के लालकोट थाना में एक मुकदमा पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज करवाया गया है। दरअसल जिस समय इंटरव्यू सामने आया था, उस दौरान लॉरेंस पंजाब के भटिंडा जेल में था, जिसके बाद पंजाब पुलिस की जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल की शुरुआत में 14 दिन तक लॉरेंस जयपुर में ही था। एक मामले की पूछताछ के लिए जयपुर पुलिस लेकर आई थी और उसे जयपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। हालांकि राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जयपुर जेल से इंटरव्यू देने की बात का इनकार किया था। लगातार सवाल उठने के बाद पंजाब पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। दरअसल पिछले साल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 14 और 17 मार्च को दो अलग अलग इंटरव्यू एक टीवी चैनल को दिए थे, जिसका टेलीकास्ट होने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर माना और उसके बाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस की एक एसआईटी गठित करते हुए इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इस संबंध में पंजाब पुलिस ने दो अलग अलग एफआईआर को दर्ज किया, जिसमें दूसरी एफआईआर में माना गया कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए इंटरव्यू टीवी चैनल को दिया गया था। उसकी पूरी जांच की रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा राजस्थान पुलिस मुख्यालय को भेजी गई और अब इसी पत्र के आधार पर जयपुर के लालकोटी थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी जांच लालकोटी थाना प्रभारी को सौंपी गई है। दरअसल जयपुर के जी क्लब फायरिंग केस में जवाहर सर्किल थाना पुलिस लॉरेंस को 15 फरवरी को जयपुर लाई थी। यहां लॉरेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 16 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। लॉरेंस 2 मार्च तक जवाहर सर्किल थाना पुलिस की कस्टडी में कड़ी सुरक्षा के बीच रहा था। इसके बाद 3 मार्च को उसे जयपुर जेल भेज दिया गया। 6 मार्च तक लॉरेंस जयपुर जेल में बंद रहा। 7 मार्च को लॉरेंस को जयपुर जेल से वापस भटिंडा जेल के लिए रवाना किया गया और 8 मार्च को लॉरेंस को भटिंडा जेल प्रशासन को सौंप दिया गया। पंजाब पुलिस की लंबी जांच के बाद पता चला है कि लॉरेंस का जो इंटरव्यू न्यूज चैनल पर प्रसारित हुआ था, वो जयपुर की सेंट्रल जेल से दिया गया था। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की ओर से राजस्थान पुलिस को इससे जुड़े कुछ अहम दस्तावेज भी दिए गए हैं। इसमें एक पेन ड्राइव भी है। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर जयपुर के लाल कोठी थाने में केस दर्ज किया गया है। जयपुर के लालकोटी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब जांच की जाएगी कि आखिरकार 21 दिन तक जयपुर पुलिस की कस्टडी में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने आखिरकार कब और किसके मिलीभगत के जरिए राजस्थान में जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए जूम ऐप के जरिए एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और पूरे प्रकरण की जांच को मॉनिटरिंग करने में राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच भी अपना सहयोग करेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।